एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और आज है अष्टमी तिथि, मेरे ससुर जी का श्राद्ध है और मेरे ससुर जी को हलवा बेहद पसंद था, तो इसीलिए उनके श्राद्ध वाले दिन हलवा बनता है। और देखिए, मान लिया किसी का श्राद्ध होता है, जब हम उनकी पसंद का कुछ बना के गाय को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, और जिनके घर में मतलब ये होता है कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाता, वो एक अलग होता। हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन श्राद्ध जरूर निकलते हैं, तो हमें ये नियम करने चाहिए। इससे देखिए कोई कमी नहीं आती है। खीर हलवा पूड़ी एक ऐसी चीज है जो आम घरों में बनती रहती है, लेकिन अगर किसी का स्पेशल दिन हो और उसका नाम लेके और वो चीज बनाई जाती है, तो देखिए हमारे बच्चे ही खाते हैं, हम ही खाते हैं, लेकिन उसकी आत्मा भी तृप्त होती है। तो ये नियम है, इनको हर किसी को निभाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन आज के टाइम में जो पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं, वो इन चीजों को नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। इसी वजह से संसार दुखों से भरा पड़ा है। पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो सारे नियम पूरे करते थे। धन की भले ही कमी हो जाती थी, लेकिन मन में शांति की कभी भी कमी नहीं होती थी। लेकिन आज लोगों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन शांति की कमी है। और उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि कहीं किसी पे कोई दोष आ गया है, किसी पे कोई दोष आ गया है, कोई इन चीजों को मानता नहीं है। हर कोई ये कहता है कि कुछ नहीं होता है, होता सब कुछ है, इस धरती पर सब कुछ है। और जो हमारे हिस्से के नियम है, मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी को उन्हें पूरा करना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी बेसन का हलवा दूध में भिगोकर। और जिस दिन मेरे गोविंद आए थे, फिर अगले दिन उनका नामकरण संस्कार हुआ, मैं हलवा बना रही थी, तो बहुत सी बहनों के उस वीडियो पर कमेंट्स आए कि इस हलवे की प्रॉपर रेसिपी शेयर कर देना। तो चलिए आज मैं आप सबको इसकी प्रॉपर रेसिपी नाप तोल के साथ बताती हूँ। आपको चाहे थोड़ा बनाना हो, चाहे ज्यादा बनाना हो, जो एक एक चीज का मैं आपको नाप बना बताऊंगी ना, उसी नाप के अनुसार आप कम ज्यादा का हिसाब लगा लेना। प्रोसीजर ये है कि ये जो सूजी है, मैंने यहाँ पर एक कटोरी भर के ली है। आप किसी भी बर्तन से नाप के ले लेना। जब आप नाप के सूजी लोगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी सही मात्रा में आएंगी। ज़्यादा बनानी है तो कोई ज़्यादा बड़े बर्तन में ले लीजिए, कम बनाना है तो छोटे बर्तन में ले लीजिए, लेकिन नाप कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक कटोरी सूजी ली है। अब इसको हम दूध में भिगोएंगे। और कई बहनों के यही कमेंट्स थे कि हम कितना दूध डालें। तो देखिए, दूध डालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने ये सूजी ली है, इसमें हम पहले इस तरह से थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको भिगोएंगे, क्योंकि ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है। फिर से हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको ऐसे करके देखेंगे। तो अब देखिए, सूजी तो हमारी भीग गई है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल देंगे, ये इतना सा। ये देख लीजिए, आपको जो दिख रहा है, जब आपकी सूजी भीग जाए तो थोड़ा थोड़ा सा दूध आपका इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो अभी ये जो दूध बच गया, इसको हम रख लेंगे, ये नहीं डालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। और अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ही वैसे ये सूजी बिल्कुल फूल जाएगी, ये दूध सारा, ये सूजी जो है हमारी सोख लेगी, दूध इसमें नहीं बचेगा। जब आपकी बिल्कुल सूजी में दूध ना बचे, तब हम हलवा बनाना शुरू करेंगे। तो 10 से 15 मिनट का ये टाइम होता है। तो अब सूजी को हमने ढक के रख दिया है, अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है। अब हम हलवे के लिए पात बनाएंगे। तो पात बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले मीठा लेंगे। देखिए, अगर आपके पास चीनी है तो चीनी आपने बराबर डालनी है। एक कटोरी सूजी है तो एक ही कटोरी इसमें हम मीठा डालेंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह खांड ले रहे हो, क्योंकि खांड में कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, तब चीनी के बराबर का मिठास आता है। तो मैंने ये थोड़ी सी, यानी 2-3 चम्मच इसमें ज़्यादा खांड डाल दी है। अगर आपके पास चीनी हो तो चीनी आपने बिल्कुल बराबर मात्रा की लेनी है। एक कटोरी सूजी है तो एक ही कटोरी इसमें मीठा डालना है।
और बाई चांस आपके घर में मीठा कम खाते हैं तो खांड की एक ही कटोरी डाल लें और जो चीनी है वो इतनी सी कम कर लें, यानी एक दो चम्मच उसमें कम डाल दें जिसको मीठा कम पसंद हो। जिसको एक बराबर लेवल का मीठा पसंद हो वो इतना ही डालना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक कटोरी सूजी है तो उसका हमें चार गुना पानी लेना होता है। तो ये देखिए हम इसमें चार कटोरी पानी डालेंगे, एक, और ये देखिए दो, और ये तीन, और ये चार। अब देखिए अगर आपको सिर्फ सूजी का हलवा बनाना है तो ये चार कटोरी पानी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसमें जो हमारी छोटी चम्मच है जैसे ये वाली है, दो चम्मच फुल भरी बेसन की ऐड करनी है तो इसमें आधी कटोरी पानी और डाल दीजिए। ये देखिए हमने आधी कटोरी पानी और डाल दिया। तो ये हिसाब होता है, दो ये छोटे चम्मच भर के बेसन डालेंगे तो आधी कटोरी पानी और ऐड करना है, और अगर सिर्फ सूजी डालनी है तो आपने सिर्फ चार कटोरी यानी जितनी भी सूजी हो उसका चार गुना पानी हमें डालना होता है। अब इसको हम बॉयल करके छान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पात हमारी तैयार हो गई है और इसको हमने छान लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये काजू लिए हैं, इनको थोड़ा सा बारीक काट के और पानी में डाल दिया है, इनको धो के ही डालना चाहिए। और ये किशमिश है, इसको भी पानी में डाल दिया है, ये अभी फूल जाएगी, फिर एक बार और पानी में धो के बाद में इसको हम हलवे में डालेंगे। तो अभी इन दोनों चीज़ों को हम एक साइड पर रख देते हैं। और आप ये देखिएगा, ये सब काम हुआ है, तब तक हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। अब सूजी में आप देख सकते हो कहीं भी दूध नहीं है जो हमने ऊपर से इसमें छोड़ा था। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमने गर्म करने के लिए रख दी है, और जिस कटोरी से मैंने सूजी ली उसी कटोरी से नाप कर मैंने घी ले लिया है। तो इसमें से थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे और बाकी का हम बाद में डालेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो हम बाद में डाल देंगे। तो ये देख लीजिए मैंने इतना सा घी इसमें से रख लिया है जो हम बाद में डालेंगे, और अभी हम घी को गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए घी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, और जो ये इतना सा घी रखा है इसको साइड में रख देते हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी डाल लेंगे, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं भी डालेंगे। जिनको घी कम खाना हो वो इतना भी रख सकते हैं, बाकी का बचा लेना। तो अब हम गैस का फ्लेम इसका पहले लो करेंगे, हाई पर ये नहीं डालेंगे क्योंकि ये चिपकता है, दूध में भिगोया हुआ है इस वजह से। और ये सारी सूजी लो फ्लेम करने के बाद हम घी में डाल देंगे, और ये जो है आप इसे बिल्कुल इसमें साफ करके पतीले को जिस भी बर्तन में आपने भिगोया हो और सारा इसके अंदर आप डाल दीजिएगा। और ये देखिएगा अब हम गैस का फ्लेम कुछ देर के लिए लो ही रखेंगे और इसको अच्छे से घी में मिक्स करेंगे। ये थोड़ी देर के लिए चिपकेगा क्योंकि ये दूध में भिगोई हुई सूजी है। गैस का फ्लेम आप स्टार्टिंग में लो रखिए, घी अच्छे से हमारा जब गर्म हो जाए उसके बाद। और इसको अब आप ऐसे करके मिला दीजिए। जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम कर देंगे, और जल्दी जल्दी से इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना जमने पाए। वैसे सूजी अब हमारी घी में अच्छे से मिक्स हो गई है, कम लगेगी, और इसको आप ऐसे थोड़ा सा जल्दी पलटा चलाइए और इसको भून लीजिए। जो सूजी है इसकी गांठ नहीं बननी चाहिए, अगर कोई बने तो ऐसे मैश कर दीजिएगा उसको, तभी ये हलवा खाने में अच्छा लगता है। तो अब जैसे एक बार ये सूजी इसमें मिक्स हो जाती तब ये नीचे कम लगता है, बस स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा सा लो फ्लेम पे आप कर लीजिएगा। और अब इस सूजी का हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी का कलर चेंज हो गया है
और आप देख सकते हैं घी भी इसमें ये सही मात्रा में है। मैंने घी थोड़ा सा इसलिए बचाया था, जिन बहनों को ज़्यादा घी का हलवा पसंद हो, वो मैंने कटोरी में घी भर के दिखाया था, आप उसे भी बाद में डाल सकते हो, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि कुछ बहनें कमेंट्स करने लग जाती घी इसमें बहुत कम है बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको नाप बता दिया है। ज़्यादा चाहिए तो वो जो बचा हुआ है उसे भी डाल लेना, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब इसका जो कलर चेंज हो जाए इतना सा, तब इसमें हम बेसन डालेंगे। शुरुआत में इसलिए नहीं डालते हैं कि सूजी को भुनने में टाइम लगता है और बेसन बहुत जल्दी भुन जाता है, नहीं तो फिर बेसन जल जाएगा और हलवे में कड़वापन आएगा। जब सूजी का आपका कलर इतना आ जाए तब इसमें आप जो है इसे 2 चम्मच भर के बेसन ऐड कर दीजिए। ये देख लीजिए, अगर आपकी जैसे 2 कटोरी सूजी हो तो आप 3 से 4 चम्मच बेसन डाल लीजिए, नहीं तो 1 कटोरी सूजी में 2 चम्मच बेसन मैं डालती हूँ, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और अब इसे हम भून लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब इसका बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर होगा तब तक इसको भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी भून के तैयार हो गई है, इसका बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और घी की भी मात्रा आप देख सकते हो बिल्कुल भी कम नहीं है। जब स्टार्टिंग में हम इसको भूनने लगते हैं तो लगेगा घी कम है, अगर आप थोड़ा सा इससे कम घी खाते हो तो आधी कटोरी घी ही डालें, क्योंकि जिनको बीपी थायराइड इस तरह की बीमारी होती है वो थोड़ा सा कम घी में बना लें। तो ये देखिए काफ़ी घी है इसमें। अब इसमें हम जो पात बना के रखे हैं, गैस का फ्लेम पहले लो करेंगे ताकि छींटे ना उठें, और फिर इसमें हम ये धीरे धीरे करके डाल देंगे। तो ये देखिए पात हमने इसमें डाल दी है। अब गैस का जो फ्लेम है वो हम बिल्कुल फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पर इसको ऐसे चलाते जाएंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। और जो हमने अब ड्राई फ्रूट लिए हैं किशमिश और काजू, वो भी इसी में हम डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा हमारा अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और अब इसमें मैं ये जो थोड़ा सा दूध बच गया था सूजी को भिगोते टाइम, इतना सा दूध इसमें और डाल दूंगी। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डाल देना, आपका मन करे तो नहीं डालना, लेकिन इसके डालने से इसका कलर भी अच्छा हो जाता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। ये लगा लीजिए कि जो चाय वाला कप होता है वो आधा कप डाला है 1 कटोरी सूजी के हिसाब से, बाकी आप 1 कप भी डाल सकते हो। जब ये पकता रहेगा तो वो सारा इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा हलवा ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम इससे ज़्यादा और गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, फिर खाने में भी सही नहीं लगता है। तो इतना ही आपने रखना है। और गैस का फ्लेम अब हम बिल्कुल बंद कर देंगे, थोड़ी सी देर के लिए इसको चला लेना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा ना हो कि नीचे से ये ज़्यादा पका पका सा लगे, एक जैसा इसका स्वाद हो, थोड़ी देर के लिए इसको चला देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हलवा हमारा बन के हो गया है तैयार। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और इस तरीके से इस हलवे को एक बार बना के जरूर खा के देखिएगा। इस हलवे के आगे बाजार की सभी मिठाइयाँ फैल हो जाती हैं, खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि जो लोग ये कहते ना कि नहीं मैं तो हलवा खाता ही नहीं, ये हलवा बना के देखिएगा, जो नहीं खाते हैं वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे और हर बार बोलेंगे कि यही वाली मिठाई दोबारा से बना लो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। और एक बार मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे।